आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ये हमारे एग्जाम के अंदर कितने नंबर का आना है, 9 से 10 नंबर का वेटेज रखेगा। इनफैक्ट अभी एग्जाम हुआ था केवी वालों को, उसमें 9 नंबर का क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, और सिंपल टॉपिक है। पहले हम इसके नाम को समझेंगे, सारे टॉपिक को समझेंगे, और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक एक करके हम सारा समझ लेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम सीखेंगे क्या लिखा है, अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग तो हम हर एक चीज को अकाउंटिंग कहते हैं। जनरल करवा लो मैं बोलूंगा अकाउंटिंग करो, लेजर बनवा लो मैं कहूंगा अकाउंटिंग करो, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटिंग करेंगे हम वो करेंगे जर्नल। यहाँ पे अकाउंटिंग होगा जर्नल। ठीक है, अब बिल यहाँ पे हमें समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल। बिल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, बिल का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज को बदलना। यानी इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्री हम करेंगे अगर आपस में डॉक्यूमेंट बदला जाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या क्या सीखेंगे, हम देखो सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग और फीचर जो आज खत्म करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, डेट को कैसे डील करेंगे। फिर सिंपल यहां से जर्नल एंट्री हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम जर्नल एंट्री करेंगे। फिर डिस्काउंटिंग कराएंगे तो कैसे जर्नल एंट्री होगा, एंडोर्समेंट होगा तो कैसे। एंडोर्समेंट का मतलब पता है ना क्या होता है, ट्रांसफर करना। कैश बुक में करा था एंडोर्समेंट, ट्रांसफर करना। इसके बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वहां पे देखेंगे मतलब क्या है। इसके बाद डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब पता था, जब पेमेंट नहीं मिलता सामने तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, डिसऑनर। डिसऑनर के केस में क्या होगा, इसके बाद रिन्यूअल के केस क्या होगा, और लास्ट का कमेंडेशन क्या होगा। ये जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना तो उस टाइम क्लियरिटी करेंगे। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करो। और डिटेल में स्टडी करने का मतलब रटना नहीं है, आपको सारे चीज को माइंड के अंदर क्या करना है, आपको माइंड में आपको सारा का सारा स्टोर करना है बेसिकली। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा बिल। तो मैंने यहां जैसा बताया कि हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट अब यहां पे जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली उसको मैं बिल भी बोल सकता हूं और इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकता हूं। तो हम बेसिकली हमारे सिलेबस में दो तरीके के डॉक्यूमेंट है जिसे हम देखेंगे। अब सर दो तरीके के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एक है हमारा प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, और एक है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपका क्वेरी आता है सर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट तो पता है, अगर आपके मैं 10th की मार्कशीट की बात करूं आप सबने देखा है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, देखा हुआ है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी तक आपने नहीं देखा। तो ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट होगा उसका मैं एक आपको स्पेसिमेन भी बना के दिखाता हूं। हम सीखेंगे प्रॉमिसरी नोट और हम समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, और बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेंगे साथ के साथ। प्रॉमिसरी नोट होता क्यों है और कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, वो सारी बातें देखो। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर राम है या मिस्टर ए, और मिस्टर ए इसने क्या करा, सामान बेच दिया। किसको बेचा, मान लेते हैं लेट मिस्टर बी को। इसने क्या करा, गुड्स सोल्ड कर दिया। और जो किया है वो क्रेडिट पे किया है कितने रुपए का किया, 50,000 रुपए का। अब बी और ए, ए ने जब इसको सामान बेचा है तो यहां पे होगा क्या, ए का एक्सपेक्टेशन होगा कि बी मुझे जब उधार बेच रहा हूं तो बी से क्या जाने कि कब पैसे देगा। ए जब उधार माल बेचेगा तो ये वर्ड तो पूछेगा, पूछेगा भाई कब पैसे दोगे आप।
बी से कब पैसे दोगे, बी ने बोला सपोज के 3 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, ये पर्टिकुलर डेट बता दे, तो ए बोलेगा भाई एक काम करो यही बात ना आप लिख करके दे दो मुझे। तो लिख करके जब देगा तो कुछ इस तरीके से बी जो लिखेगा कुछ ऐसे लिखेगा। बी लिखेगा लिखेगा आई, आई का मतलब कौन लिख रहा है यहां पे, बी, तो बी लिख रहा है आई प्रॉमिस, प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए 50,000 ऑन 1st 4 2020। इसका मतलब ए ने क्या लिख, बी ने क्या लिखा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ए को पैसे दे दूंगा, और जो ए को पैसे दूंगा और ऑर्डर, अभी इसका मतलब समझेंगे, और ऑर्डर का मतलब क्या है, 50,000 रुपए और डेट भी डाल दिया। अब बी क्या करता है, जिस कागज पे जिस पेपर पे इसने लिखा ये किसको दे देता है जाके, बी, मान लो बी ए को दे देता है जाके, लेकिन ए रिप्लाई करेगा भाई तुमने दे तो दिया लेकिन इसमें साइन तो किए नहीं आपने, क्योंकि ये कैसे माने कि आपने लिखा है, अगर आपने लिखा है तो आपके सिग्नेचर होने जरूरी है। तो बी ने क्या करा यहाँ पे, बी ने साइन कर दिया, बी ने क्या करा साइन कर दिया, अब ये ए को दे देगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहां पे हमारा है प्रॉमिस इसलिए इसका नाम हो गया प्रोमिसरी नोट। अब समझते हैं प्रोमिसरी नोट, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर देखो प्रोमिसरी नोट में पैसा किसको मिलेगा, क्या मुझे बता सकते हो, ए को मिलेगा पैसा, किसको मिलेगा, जब ए को पैसा मिलेगा तो हम ए को पता है क्या बोलेंगे, ए का नाम अकाउंटिंग वर्ड में बोलेंगे पेई, इसको क्या बोलेंगे पेई। देखो नाम ऐसा लगता है पेई का मतलब वो देगा, लेकिन यहाँ पेई का मतलब क्या है, जिसको पैसा मिलेगा। अब एक यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा है, ये पैसे देने वाला है, देगा यही पैसे, तो जो पैसे देगा इसको हम किस नाम से जानेंगे, जो पैसे देगा उसको बोलेंगे हम मेकर, या फिर इसको बोलेंगे, या बोलेंगे इसको ड्रोअर, इसको क्या बोलेंगे हम, या ड्रोअर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो किसी पर्सन को पेमेंट देना है और यहां पे साइन होगा, ठीक है, इसके अंदर कितने पर्सन इन्वॉल्व है क्या बता सकते हो, दो, दोनों के नाम बता सकते हो, ए और बी, और अकाउंटिंग वर्ड में पेई और ड्रोअर या मेकर, ड्रोअर या मेकर दोनों में से एक वर्ड बोलना है, ठीक है। अब सपोज करो ए बी को सामान बेचता है, ठीक है ना, बेचने के बाद अब बी अगर इसके अंदर ये अमाउंट नहीं लिखता और इसको दे देता तो क्या ए इसको एक्सेप्ट करता, बोलता भाई पैसे तो लिखे नहीं कितने दोगे, तो इसके अंदर ये लिखना जरूरी है या ऑप्शनल है, जरूरी है। अगर मान लो ये डेट नहीं लिखता तो भी नहीं लेता, बोलता भाई डेट नहीं लिखा तो पता नहीं आप 10 साल बाद दोगे 20 साल बाद दोगे तो पता नहीं चलेगा हमें, तो डेट भी क्या लेना है हमारा कंपलसरी है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे होता क्या है, जनरली मान लो ए ने बी को सामान बेचा, अब बी बोलता है मैं आपको पैसे दे दूंगा, कितने दूंगा 50,000, इफ बी बोलता है इफ अगर आप मेरे सन को 1 महीने तक स्कूल छोड़ के आओगे, किसने बोला, बी ने, अब बी ने बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, मना नहीं कर रहा है, 50,000 दूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को पहले स्कूल छोड़ के आना 1 महीने तक, तब आपको पैसे दूंगा, तो क्या बताओ ए इस तरीके का बिल लेगा,
बोलेगा भाई मैं तुम्हें सामान ही नहीं बेचना, एक तो मैं सामान बेच रहा हूँ और ऊपर से तुम क्या लगा रहे हो, कंडीशन। ठीक है, तो यानी इस बिल के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, इस बिल के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, कंडीशन, ये इफ का मतलब कंडीशन, तो क्या मेरा ये वैलिड होगा? नहीं होगा। तो ये बिल जो होना चाहिए हमारा वो कंडीशन वाला होना चाहिए, बिना कंडीशन वाला, तो उसको बोलेंगे अनकंडीशनल। क्या होना चाहिए वो? अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, तो मेरे से कोई पूछे सर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अब मान लो बी मुझे वाणी बोल देता है इससे कि भाई कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पैसे दे दूंगा और आप मान लो, तो क्या ए मान लेगा? तो इसका मतलब ये हमारा मुझे वाणी नहीं चल सकता, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए। ये किस में चाहिए हमें? रिटर्न, लिखित में हमें ये चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने इसके अंदर कुछ चीजें बताई, तो ये जो डॉक्यूमेंट पूरा ऐसा बन के तैयार होगा ना, और ये इसको देगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोमिसरी नोट। और ये एक स्टैम्प पेपर पे दिया जाएगा, तो इस तरीके से सारी बातें को लिखकर उसको हम बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। इसके अंदर हमने एक ऑर्डर वर्ड का डिस्कशन अभी किया नहीं है, ऑर्डर वर्ड हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो मैं पूछूं कि बताओ इसके अंदर कितने पार्टी, दो, पेई और ड्रोअर, ये रिटर्न होना चाहिए या फिर ओरल भी चलेगा? रिटर्न। ये कंडीशनल या अनकंडीशनल? अनकंडीशनल। इट मस्ट बी डेटेड और नॉट डेटेड? सर्टेन अमाउंट होना चाहिए या चल जाएगा? होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, तो मैं अगर आपसे फीचर बोलूं तो फीचर तो देखो सारे बता ही दिए आपने मुझे, इट मस्ट बी रिटर्न, देयर आर टू पार्टीज, इट मस्ट बी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन का मतलब कोई निश्चित अमाउंट होना चाहिए, इट मस्ट बी सर्टेन डेटेड। ठीक है, अन, और ये कैसा होना चाहिए? साइन बाय मेकर या ड्रोअर। तो ये लो आपने फीचर बता दिया मुझे, ये क्या है हमारे प्रोमिसरी नोट के फीचर। चलो अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसको देखेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब होगा तो देखो पहले सिचुएशन क्या होगा। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल क्या? बिल्कुल हो सकता है मिस्टर ए, इसने क्या करा, सामान बेच दिया। अगेन किसको बेचा? मिस्टर बी को। ठीक है, मिस्टर बी को सामान बेच दिया। अब जब ए ने सामान बेचा तो कितने का सामान बेचा? सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सोल्ड टू बी ₹50,000। अब फर्दर बी ने क्या करा, अब ए कहां का रहने वाला है इसके बारे में बता देता हूं, ये रहने वाला है दिल्ली, दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है ना, और मैं थोड़ा दिल्ली के अंदर, मैं थोड़े दूर दूर अलग स्टेट की बात कर लेता हूं, ये रहने वाला है एचआर, ऋतिक रोशन नहीं, हरियाणा। ठीक है, ये कहां के रहने वाला है? हरियाणा के रहने हैं। ये हमारे कुछ ना, हमारे हर स्टेट के ना कोड है, दिल्ली के लिए DL, इसके लिए HR, मुंबई के लिए MH, इस तरीके से होता है, RJ राजस्थान, तो इस तरीके से, तो ये HR का रहने वाला है। ठीक है, तो ये HR का रहने वाला है। अब दिल्ली में ये पता है कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है ये, मान लो नियर नोएडा, नोएडा के पास। इसने इसको सामान बेचा, अब बी ने क्या करा, एक पर्सन को गुड्स बेच दिया, अलग पर्सन को, जिसका नाम है मिस्टर सी। और जो मिस्टर सी है ये रहता है सपोज करो नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हो? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, ओखला है, न्यू ओखला जो बनाता है, तो नोएडा। सी जो रहने वाला है कहाँ का है? नोएडा का रहने वाला है। अब बी ने क्या करा, इसको ₹50,000 का सामान बेच दिया। तो अब देखो चेन कैसा बन रहा है, ए को पैसे लेने हैं बी से और बी को पैसे लेने हैं, ये चेन बन गया पूरा हमारा। अब यहां पे समस्या ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है रहने का, तो कौन जल्दी पैसे दे सकता है किसको?
अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सोचो तो मैं एक काम करूं कि सी डायरेक्टली ए को दे दे, तो बात क्या होगा, हमारा थोड़ा काम आसान हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने फिर से इसने बिल मांगा, मैंने बिल लिखा, और बिल लिखते लिखते मैंने फोन पे बात किया, और फोन पे क्या बात किया इसने, इसने फोन पे बात किया कि सर एक काम करता हूं, मैं आपको पेमेंट देता हूं, आपको मुझे 50,000 देना, आई अग्री। तो यानी आई पे टू मिस्टर ए ऑन ए, इसके बाद ऑर्डर, या फिर बियरर, एक वर्ड है बियरर, इसको अभी हम समझेंगे बियरर क्या होता है। ऑर्डर और बियरर ₹50,000, ठीक है, ऑन डेटेड 1/4/2020। और इसके बाद यहां पे एसडी का मतलब साइन, बी ने क्या करा, साइन कर दिया। मैंने फोन पे बात करते करते मैंने बोला कि ए अगर मैं एक बात बोलूं आपको, अगर पैसे तो 50 देने हैं, मेरे बदले अगर मेरा कोई एजेंट, मेरा कोई पार्टी, एक पर्सन मिस्टर सी है, वो दे दे तो चलेगा क्या? ए ने बोला चलेगा, क्यों नहीं, मुझे तो पैसे से मतलब है, 50,000 आप दो या जिसको आप भेजो मैं उससे ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगा, एक पर्सन देगा जिसका नाम मिस्टर सी है। अब इसका फोन से बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद इसकी बातचीत किससे होने लगी, अब इससे बातचीत होने लगी सी से। अब सी से बोलता है कि भाई तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ₹50,000, एक काम करो मुझे ना देके मैं एक एड्रेस देता हूँ, तुम्हारे घर के साथ में ही रहता है, उसे दे आओगे क्या? सी ने बोला हाँ मैं दे दूंगा, कितने देने हैं, 50,000। उसने बोला हाँ 50,000 देने, दे दूंगा मैं। बोला चलो आप बोल रहे हो पक्का, देख लो दे दोगे, बोला हाँ दे दूंगा। बोला कि चलो आ जाओ आप इस बिल के अंदर, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाम आ गया किसका, सी का, और आप भी यहाँ पे क्या कर दो, सिग्नेचर कर दो। सी ने बोला देना तो है ही है, मैंने साइन कर दिया। अब ए को याद आया, ए ने फिर फोन घुमाया, ए ने फोन घुमाया, और ए ने जब इसको फोन किया, और फोन क्या किया इसको कि भाई अगर सी ने नहीं दिए तो, बोला मैं बैठा हूं फिर कौन देगा, मैं दे दूंगा, अगर सी पैसे नहीं देता तो मैं पेमेंट देने को तैयार हूं। ए ने बोला चलो कोई बात नहीं, पेमेंट करवा दो, जो मर्जी दे दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखा जाए, ये सारा काम हुआ। जब इस तरीके का काम होता है तो इस तरीके के काम को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे पैसे किसको मिलेगा बता सकते हो क्या? ए का नाम होगा अकाउंटिंग वर्ड में, अब बिल बना कौन रहा है, बना कौन रहा है, इसको बोलेंगे मेकर या ड्रोअर। अब पैसे देगा कौन, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सी, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, या फिर इसको बोलेंगे ड्रोई, डबल ई वहां पे ई आर, ठीक है, या ड्रोई या एक्सेप्टर, ठीक है। तो जब बिल के अंदर 3 पर्सन इन्वॉल्व है, इसके अंदर कितने पार्टी इन्वॉल्व है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। जब 2 पार्टी इन्वॉल्व था, ठीक है, यहां पे एक वर्ड है ऑर्डर और बियरर, ठीक है। अब ऑर्डर और बियरर क्या होता है, सपोज करो मेरा नाम ए है और मैं इस बिल को अपने पॉकेट में लेके चल रहा हूँ, चल जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और रास्ते में मेरे से बिल खो गया। अब जिसके हाथ में लगा उसने देखा बी पैसे देगा, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा बी के पास गया और बोला कि भाई मुझे 50,000 दो, मेरे पास देखो बिल है। तो बी क्या बोलेगा कि भाई तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। बोला क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे पास बिल है। बोला इसके ऊपर नाम लिखा है किसका, ए का, ए को ही मिलेगा, ए से परमिशन लेके आओ या ए से बात कराओ मैं दे दूंगा। तो ए क्या उसको बात कर, ए क्या बोल देगा कि इसको पेमेंट दे दो, नहीं, वो बोलेगा भाई मत देना, मेरा बिल खो गया था, उसको वहीं पकड़ के रखो मैं आ रहा हूं, वो तो ऐसे बोलेगा, वो तो कि उसको पैसे नहीं देना। अब इसे बोलते हैं क्या, ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अगर ए ऑर्डर दे देता के दे दो तो फिर उसको मिल जाता। अब बियरर वर्ड आया, अब बियरर वर्ड बताऊंगा तो दोनों में क्लियरिटी हो जाएगा। अब मेरे पास बिल है, उसके ऊपर बियरर वर्ड लिखा था और खो गया। अब जिसको मिला, मान लो मिस्टर जेड को मिला, जेड भागा भागा गया बी के पास, बोला पैसे दो। बी ने देखा अच्छा पैसे देने, बी ने फटाफट ₹50,000 किसको दे दिए, जेड को।
जेड को देते ही ए का फोन आया कि भाई मेरा बिल खो गया है, किसी को मत देना पैसे। बी ने बोला मैंने तो दे दिया। ए बोलता है यार मेरे से बिना पूछे कैसे दे दिया आपने उसको पैसे, मेरे मुझे पैसे देने थे। बोला भाई साहब वो जो बिल था उसके ऊपर लिखा था बी एरर। बी एरर का मतलब होता है जो मेरे पास लेके आएगा मैं उसी को उसका मालिक मानूंगा, जिसका नाम लिखा है हमें नहीं मतलब इससे। तो इस केस के अंदर क्या था, बी एरर। तो ऑर्डर में क्या होगा, जिसका नाम लिखा वही मालिक, और बी एरर में जो लेके आएगा। इसलिए आपका जो नोट है ना, क्या वो भी इसी तरीके से सरकार लिख के देता है, मैं धारक को वचन देता हूं, लिखा होता है ना आई प्रॉमिस टू पे रुपीज, अगर 100 का नोट है तो 100 और 500 का नोट है तो 500 लिखता है वो, और उसके ऊपर देखना बाद में लिख देता है बी एरर। अगर बी एरर वर्ड नहीं लिखता तो पता है क्या होता, अब जिसका नाम लिखा है वही चला सकता था उस पे। अब बी एरर वर्ड लिखने से अगर आपका नोट खो गया, इसके हाथ लग गया, तो ये चला सकता है नहीं चला सकता, सेम ठीक है। तो बी एरर का मतलब जिसके हाथ में लगा वही उसका ऑनर, और ऑर्डर के अंदर जिसका नाम लिखा वही ऑनर। अब देखो इसके फीचर की मैं बात करूं तो मैं देखो एक एक करके फीचर गिनवाऊंगा। नंबर वन, रिटर्न होना चाहिए। नंबर टू, तीन पार्टी होंगे। नंबर थ्री, साइन बाय मेकर, मेकर के द्वारा साइन होगा। नंबर चार, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। नंबर पांच, सर्टेन डेट होना चाहिए। नंबर छह, एक्सेप्टर होगा। इसमें देखो कितने होंगे, इसमें पांच होंगे, एक कम हो जाएगा। क्यों, एक्सेप्टर नहीं है इसमें। नंबर वन, रिटर्न होना चाहिए। नंबर टू, साइन बाय मेकर। नंबर थ्री, दो पार्टी होंगे। नंबर फोर, अनकंडीशनल भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई एक्सेप्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है क्या है, आपके इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी पार्टी इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे देंगे और उसके अंदर नंबरिंग डाल देंगे, उसका जवाब आपको देना है। आपका ये ऑप्शन आ सकता है ट्रू और फॉल्स में, इन बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस टू पे, इन बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेनिंग प्रॉमिस टू पे, ट्रू और फॉल्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में कंटेन लिखा हुआ होता है कि मैं वचन देता हूं कि पैसे दूंगा, तो बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है या प्रोमिसरी नोट में लिखा होता है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। ये लिखा हो सकता है कि इन प्रोमिसरी नोट कंटेन प्रोमिस टू पे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ऐसे आपको वहां पे जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके बन सकता है, ठीक है। अब सर्टेन अमाउंट, सर्टेन ये सारी चीजें देख ली हमने, देख लिया क्या है ये प्रॉमिसरी नोट। मैंने बोला डॉक्यूमेंट बिल दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा प्रॉमिसरी नोट और एक होगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा प्रॉमिसरी नोट। हम तो क्वेश्चन देखेंगे किसने खरीदा किसने बेचा, क्यों दे रहा नहीं दे रहा, एंट्री करते जाएंगे। थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रॉमिसरी नोट को ना आपके सेक्शन नंबर 5 में बताया गया और बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन नंबर 4 में बताया गया। सेक्शन नंबर 4 और 5 क्या है, आप देखोगे बुक में तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 और 5, मैंने इसको गलत कर दिया, इसके सेक्शन नंबर क्या है 4 और इसका 5 है, ठीक है। अब 4 और 5 में क्यों बताया गया इस तरीके से, क्यों है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका ना एक पूरा एक्ट है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881। उस एक्ट के में से दो छोटे छोटे पॉइंट निकाल के हमें 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो सर हम पूरा कब पढ़ेंगे, क्या हम छोटे छोटे पॉइंट ही पढ़ते रहेंगे, नहीं, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई होगी, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ दो सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 4 और 5। तो अब मैं बात करता हूं डिफरेंस का, डिफरेंस की बात करें इन दोनों के बीच में। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या ये दोनों अलग अलग हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, पॉइंट से सुनते जाना। पॉइंट नंबर वन, इसमें कितने पार्टी, इसमें। पॉइंट नंबर टू, मैं लाइबिलिटी की बात करूंगा, आप इसके अंदर अगर ये पैसे नहीं देता तो कौन देगा, तो मेकर की लाइबिलिटी पहली या दूसरी, पहली तो इसकी है, मेकर की कौन सी होगी, तो लाइबिलिटी कौन सी है, सेकेंडरी यहां पे, तो लाइबिलिटी प्राइमरी, और इसमें दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर एक्सेप्टर होगा क्या, इसके अंदर एक्सेप्टर होगा, तीन पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, अगर देखो
अगर हम इसके अंदर फोर्थ पॉइंट को, और भी पॉइंट हम वैसे सात छह सात पॉइंट देखेंगे, हाँ वो लिख सकते हो आप इसमें ड्रॉअर एक्सेप्टर, बात वही होगी कि ड्रॉअर होगा पे ही होगा, उसके अंदर लिख देंगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन बिल हो, फॉरेन बिल हो सकता है ना। फॉरेन बिल क्या होता है आप समझोगे, सर फॉरेन बिल क्या है, हम सामान ही तो बेच रहे हैं, इंडिया के बाहर सामान बेच सकते हैं, तो वो हमें बाद में देने के प्रॉमिस कर सकते हैं। तो फॉरेन बिल क्या होगा, उसमें तीन फोटोकॉपी बनेगी इसकी, कितनी बनेगी, तीन, एक रहेगा फॉरनर के पास, एक रहेगा हमारे पास और एक रहेगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर इंडिया में बेचेंगे तो एक ही कॉपी बनेगी इसकी। कॉपी का मतलब समझ में आ रहा है, जो ये मैंने बनाया है वो तीन बन जाएगा इन केस ऑफ बाहर, आउट ऑफ इंडिया से डील है। अगर इंडिया में तो कितने बनेंगे, इसके अंदर फॉरेन में करो चाहे इंडिया में, कॉपी एक ही बननी है। एक ये भी डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है ना। कितने डिफरेंस हो गए, चार। देखो पहला डिफरेंस पहला डिफरेंस क्या है हमारा, पार्टी में कर दिया मैंने, लाइबिलिटी के बेसिस पे कर दिया और एक्सेप्टर के बेसिस पे कर दिया तीन, और चौथा मैंने कर दिया किसके बेसिस पे, फॉरन बिल के बेसिस पे कितने कॉपीज होंगे, ठीक है चार हो गए। अब अगर मैं पांचवा बोलूं तो पांचवा और क्या हो सकता है, सोचो, इसमें प्रॉमिस होता है, इसमें ऑर्डर होता है, ये लो पांचवा पॉइंट भी निकल गया, इसमें प्रॉमिस और इसमें ऑर्डर। तो ये पांच पॉइंट है आपके बुक में, छह सात पॉइंट है, अभी हम उसको देख लेंगे, एक आध पॉइंट जो है वो हम देख लेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि भाई प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और क्या समझा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी होंगे, दो, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन। अब फीचर की बात करें, इन दोनों के फीचर में सिर्फ एक फर्क है, वो एक्सेप्टर का, बाकी दोनों का फीचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड है जो समझोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे तो आएगा। एक वर्ड होता है अंडरटेकिंग, एक वर्ड होता है अंडरटेकिंग के जगह पे ऑर्डर। अब बताओ किसमें ऑर्डर है, इस वाले में, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, बी दे रहा है किसको पेमेंट देने के लिए, ए को। इसके अंदर अंडरटेकिंग है कि मैं खुद दूंगा, यानी जिम्मेदारी, अंडरटेकिंग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसमें क्या है अंडरटेकिंग, इसमें क्या है ऑर्डर, इसके अंदर बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो बातें हमने लिखी है उसको क्या बोलेंगे, कंटेनिंग, ठीक है। अब सर्टेन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन। यहां पे क्या है, ऑर्डर बाय मेकर टू सर्टेन पर्सन, पे सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन पर्सन, समझ में आया। देखो ऑर्डर बाय मेकर सर्टेन पर्सन को दिया जाएगा, सर्टेन अमाउंट के लिए दिया जाएगा, और पेमेंट किसको करना है, एक सर्टेन पर्सन को करना है, ठीक है। और ये कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल, हमेशा अनकंडीशनल होगा। अगर कंडीशनल हुआ तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो क्या होगा, इनवैलिड। तो यहां तक समझ में आया पॉइंट, दोनों के फीचर्स क्या समझ में आ रहा है, दोनों के आपको डिफरेंसेस समझ में आए, दोनों है क्या चीज ये समझ में आ गया। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस है कि हम, मैं अगर बोलूं तो उधार लेने देने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ये एडवांटेज नहीं हो जाएगा कि हम कोई सामान इजीली उधार, भरोसा होगा कि भाई इसने लिख के दे दिया तो क्या होगा, उधार लेना देना इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या एडवांटेज हो सकता है, एडवांटेज ये हो सकता है हमारा यहाँ पे कि हम जब किसी व्यक्ति को सामान है, पक्का है कि हमें पैसे मिल ही जाएगा, 100% श्योरिटी रहती है कि पैसे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया, डॉक्यूमेंट। अब एक पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, स्टैंप, समझना स्टैंप क्या होता है। एक तो होता है जो आप कहीं से सामान ले तो स्टैंप लगा दिया, उस स्टैंप की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पेपर बनता है प्रॉपर्टी का, वो स्टैंप पेपर होता है। क्या होता है ये स्टैंप पेपर पे क्यों बनाते हैं प्रॉपर्टी, बताओ, आपने सुना होगा प्रॉपर्टी लोगे तो स्टैंप पेपर पे सारा चीजें बनेगा, क्यों भाई, खाली के खाली पेज पे क्यों नहीं बना रहे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हम स्टैंप ड्यूटी, आप जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो, आप कुछ भी बनाते हो, तो स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करने की बात होता है। स्टैंप ड्यूटी के अंदर क्या होता है, मेनली देखा जाए अगर मान लो इसने इसको उधार माल बेचा, और अगर ये स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं पे करता, अब मान लो ये फ्रॉड कर जाता है, बी बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है जा कर ले, अब बी जाएगा रोता रोता किसके, कोर्ट के पास, कि भाई मेरे पैसे दिलवाओ।
अब बोलेगा जज भाई क्या हुआ, उसने बोलेगा मैंने उसको उधार माल दिया था और वो पैसे नहीं दे रहा, तो जज क्या बोलेगा भाई मेरे से पूछ के दिया था, नहीं पूछा मेरे से, आपने दिया आप निपटो। अगर ये क्या करता, थोड़े से पैसे मान लो 50,000 में से 10 रुपए, 10 रुपए का स्टैम्प बनवा लेता, 10 रुपए सरकार को बोलता जज को भाई 10 रुपए दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं पता है, मैंने बी को सामान बेचा है, अगर कोई बीच में लड़ाई झगड़ा कोई पंगा हो गया तो बीच में आकर निपटारा करना पड़ेगा। जज ने बोला ठीक है मुझे मिल गया मेरा हिस्सा, अब देखता हूं वो कैसे नहीं देगा। तो जो जज को मैंने दे दिया वो क्या था, स्टैम्प ड्यूटी था। अब स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद अब बी ने मना कर दिया, अब मैं जज के पास जाऊंगा, जज साहब मैंने 5 रुपए आपको 10 रुपए दिए थे स्टैम्प ड्यूटी, अब वो पैसे नहीं दे रहा, आप देखो। बोला अच्छा बी की इतनी हिम्मत नहीं दे रहा, चलो बी के पास फोर्स आएगा और इससे पैसे निकलवा सकता है। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, बेसिकली हम अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, गवर्नमेंट को बता देते हैं कि हम ये काम लीगली कर रहे हैं और इसलिए हम आपको पेमेंट दे रहे हैं कि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी तो उसका आप समाधान करोगे, ठीक है। इसके अंदर हमेशा स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ भी सकता है नहीं भी। एक होता है बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड होता है, बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपसे आज 100 रुपए उधार लिए, आपने बोला भाई देगा क्या, कब दोगे, उसने बोला कि कल परसों जब मर्जी, परसों के बाद जब मर्जी ले लेना, या बोला आज दे दो कल जब मर्जी ले जाना मेरे से, तो आप कल भी ले सकते हो उससे, भूल गए तो परसों भी ले सकते हो, उससे अगले दिन भी ले सकते हो, यानी ये हो गया डिमांड। जब आप डिमांड करोगे वो क्या करेगा आपको दे देगा। ऐसे ए ने बी को उधार माल बेचा, अब बी से ए ने पूछा कि भाई कब पैसे देने हैं, या फिर ए ने बी को यहां पे उधार माल बेचा, बी से डिमांड किया कब पैसे दोगे, बी ने बोला जब मर्जी आके ले जाना, तो ये हो गया बिल ऑन डिमांड। क्या हो गया, जब भी ए बी से डिमांड करेगा इसको पैसे देने होंगे, तो जब बिल ऑन डिमांड होगा ना तो स्टैम्प ड्यूटी मत पेड करो गवर्नमेंट को, लेकिन बिल अगर डिमांड पे नहीं है, कोई टाइम पीरियड है उसमें, तो स्टैम्प ड्यूटी पेड, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए स्टैम्प ड्यूटी क्या करना होगा, पेड करना होगा। तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी पेड होगा, इसमें स्टैम्प ड्यूटी पेड बिल ऑन डिमांड पे नहीं होगा, नो नीड, करना चाहते हो तो कर लो, और अगर हमारा टाइम है तो स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ेगा। तो देखो ये भी डिफरेंस इसमें काउंट हो जाएगा, अभी बुक में से भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी, दो, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3, प्रोमिसरी नोटर में एक्सेप्टर नहीं होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा, इसके अंदर प्रॉमिस होगा और इसमें ऑर्डर होगा, इसके अंदर आपका क्या होगा प्राइमरी लाइबिलिटी और इसमें सेकेंडरी, इसके कितने कॉपी होंगे, एक, इसके कितने कॉपी, 3 फॉरेन में, इंडिया में तो एक से काम चल जाएगा। ये स्टैम्प्ड होगा और ये स्टैम्प्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये लो डिफरेंस भी हो गया। फीचर, ये रिटर्न होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, दो पार्टी है, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन बाय मेकर होना चाहिए, हो गया फीचर। इसके अंदर रिटर्न होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, साइन बाय मेकर होना चाहिए, और एक्सेप्टर भी होना चाहिए और अनकंडीशनल भी होना चाहिए। समझ में आ गया, ये हमारा इस पे से आपका थ्योरी कंफर्म है कि एग्जाम में आना ही आना है, 3 से 4 नंबर का थ्योरी इसी में से आएगा आपका, 3 से 4, ठीक है। अब बुक से कर लो आप, फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन, मैं एक बार डेफिनेशन रीड करना रह गया बस एक, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देखो मीनिंग मिला क्या, पेज नंबर 16.16 ही है पेज नंबर, तो मिला, कहता है आ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया ना ये डॉक्यूमेंट भी होगा, डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इन राइटिंग, ये राइटिंग में होगा, कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब इसके अंदर लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर। देखो अनकंडीशनल ऑर्डर है, किसको ऑर्डर है, मिस्टर ए को ऑर्डर थोड़ी देंगे, बी देगा सी को ऑर्डर, क्या ऑर्डर देगा कि जाओ किसको पेमेंट देना आप, ए को। तो अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय कौन साइन करेगा, मेकर करेगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर में क्या लिखेगा, डायरेक्ट करेगा सर्टेन पर्सन, पर्सन सर्टेन कौन है, ए, टू पे अ सर्टेन सम, सर्टेन सम क्या है, 50,000 ऑफ मनी ओनली और ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर पे भी हो सकता है और बियरर पे भी हो सकता है, ऑर्डर बियरर, समझ में आ गया। चलिए इसके फीचर देखिए आप, फीचर में आपके 6 पॉइंट है, फटाफट से देखो आप 6 के 6 पॉइंट क्या समझ में आ रहा है। पहला है रिटर्न होना चाहिए, दूसरा साइन बाय मेकर, तीसरा अनकंडीशनल, चौथा
अमाउंट होना चाहिए, पांचवा डेट होना चाहिए, छठा एक्सेप्ट होना चाहिए। छह के छह पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे प्रोमिसरी नोट सेक्शन फोर। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज याद कर लिया तो प्रोमिसरी नोट भी याद हो गया। देखो प्रोमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बात वही है। यहां पे ब्रैकेट में लिखा नोट बीइंग अ करेंसी, इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। कहता है प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अब कहता है कंटेनिंग एन कंडीशनल अंडरटेकिंग। वहां क्या था, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, यहां पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये फर्क है। साइन बाय मेकर वहां भी था भाई, साइन बाय मेकर टू पे सर्टेन सम वहां भी था, ओनली टू द ऑर्डर और सर्टेन पर्सन बियरर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? इसके फीचर देखो कितने हैं, पांच ही फीचर मिलेंगे इसके, एक कहां गया, एक होता ही नहीं इसमें। प्रोमिसरी नोट रिटर्न होना चाहिए, साइन बाय मेकर होना चाहिए, स्पेसिफाई अमाउंट, स्पेसिफाई डेट, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, और एक पॉइंट है स्पेसिफाई पेबल टू द स्पेसिफाई ऑर्डर। ये सिंपल से पॉइंट गिवन है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पीछे पेज पे देखना, पार्टीज, पार्टीज में कौन कौन है, मेकर और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर, पेई और ड्रोई या एक्सेप्टर, जो मर्जी बोलो। तो इसका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगली क्लास में आपको नोट्स भी लेके आना है, और हम इस नोट्स के ऊपर से और भी कुछ